हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियोज मैं अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। बात करेंगे आज की वीडियो में मल्टीपल शेयर्स की, और सबसे पहली कंपनी की बात करें तो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड है। आज के दिन में स्टॉक की जो क्लोजिंग हुई है 1401 रुपये पर हुई है। प्रीवियस क्लोजिंग से स्टॉक 3 रुपये नीचे आज के दिन में क्लोजिंग देते नजर आया है। मार्केट जो है इस टाइम ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। जब तक निफ्टी 22,400 रुपये के ऊपर है तब तक मार्केट में डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि 22,400 का जो लेवल है वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। और उम्मीद है कि जो मार्केट के अंदर हमें फॉल देखने को मिला था मार्च महीने के अंदर, जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, तो दोबारा से इन्वेस्टमेंट की तरह जो है मार्केट में दोबारा से रूटीन पे मार्केट जैसे थी पहले वैसे ही आती नजर आ रही है। बीते 5 दिनों की बात करें तो अडानी पोर्ट्स ने 5.5% से ऊपर की तेजी दिखाई भी है, और एक महीने की बात करें तो 4.5% के आसपास के रिटर्न से। बीते 13 मार्च को जब मार्केट में गिरावट हुई थी, जब प्रॉफिट बुकिंग आई थी, उसके बाद से जो रिकवरी दिखाई है 1200 रुपये के लेवल से 1400 रुपये के लेवल पर काफ़ी अच्छी रही है। और बीते 6 महीने भी इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे बीते हैं, 70% के आसपास के रिटर्न से बीते 6 महीने के अंदर भी। एक साल की बात करें तो 120% के आसपास के रिटर्न, जो कि ऑलमोस्ट बहुत अच्छे बीते, क्योंकि निफ्टी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है बीते 2 साल के अंदर। 1 साल के अंदर काफ़ी अच्छी रिकवरी है मार्केट में। बीते 5 साल देखे इस कंपनी के लिए तो 261% के रिटर्न्स हैं, और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करूं तो 650% के रिटर्न्स अडानी पोर्ट्स अपने मैक्सिमम रिटर्न्स में इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुका है। आज के दिन में इस कंपनी के रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट है। अडानी ग्रुप स्टॉक टू बाई नाउ फॉर एन अपसाइड ऑफ मोर देन 25%, डू यू ऑन इट। यानी कि अडानी ग्रुप का एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर 25% अपसाइड तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। द शेयर्स ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर गेन्ड ट्रैक्शन दिस वीक आफ्टर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सिटी गेव अ बाय रिकमेंडेशन विद अ 26% अपसाइड फ्रॉम वेडनेसडेज ट्रेडिंग प्राइस ऑफ 1758 अ शेयर। तो 1758 रुपये तक के लेवल्स जो हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस में देखने को मिल सकते हैं। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज इन द बिजनेस ऑफ डेवलपमेंट ऑपरेशंस and maintenance of a port infrastructure and is also linked to a multi-product special economic zone and related infrastructure. तो इसी वजह से सिटी जो है ब्रोकरेज फर्म उसकी तरफ से स्टॉक में जो है ऊपरी स्तर तक के लेवल्स दिए गए हैं। 1700 रुपये तक के लेवल्स जो हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस में देखने को मिल सकते हैं, और उम्मीद है कि ये स्टॉक जो है आने वाले समय में और भी बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकता है। सिटी एम्फेसाइज डेट द कंपनीज वैल्यूएशन रिमेन रीजनेबल विद अ पी रेशियो 30 and an EBITDA ratio of 19 based on financial year 25 estimates. According to Citi, these valuation indicates significant potential for growth considering the high quality and scale of the underlying business. Additionally, Citi pointed out that Adani Port has demonstrated resilience and strength following a short seller report last year. The company has shown a strong business momentum, decreased leverage and enhanced market dominance. In March, अडानी पोर्ट्स अनाउंस रिकॉर्ड ब्रेकिंग मंथली कार्गो वॉल्यूम ऑफ 38 मिलियन मैट्रिक टन्स। तो ऐसे में अडानी पोर्ट्स के अंदर काफ़ी अच्छी रिकवरी जो है शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिल सकती है, जब से सिटी रिसर्च फर्म की तरफ से अपसाइड तक के लेवल्स ऑलमोस्ट 1700 प्लस तक के लेवल्स मार्क किए गए हैं। मार्केट के वैल्यू की बात करें तो 3,02,000 करोड़ के आसपास की मार्केट वैल्यू, P34 के राउंड है, पी कम है, और RSI 67 के राउंड है, ओवरबोट कंडीशन में नहीं है। 50 डेज मूविंग एवरेज 1264, 52 वीक हाई पे स्टॉक है। यहाँ पे 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके वापस से रिकवरी स्टॉक ने दिखाई है, और क्वार्टर फोर के नंबर्स का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। हालांकि कंपनी ने अपने लास्ट क्वार्टर के जो नंबर पेश किए थे क्वार्टर थ्री के, वो क्वार्टरली भी और ईयरली बेसिस पे भी इंप्रूव होते नजर आए थे। तो काफ़ी अच्छे नंबर्स अडानी पोर्ट्स ने अपने क्वार्टर थ्री में पेश किए थे, और उम्मीद है कि क्वार्टर फोर भी काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। कंपनी का रिजर्व है 48,261 करोड़ के, और कर्जा 50,000 करोड़ के आसपास का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर्स की होल्डिंग है ऑलमोस्ट 65.89%, जो कि दिसंबर क्वार्टर में एज कम्पेयर टू क्वार्टर टू इंक्रीज हुई थी। FIs ने स्टेक इंक्रीज किया है, DI का स्टेक कम हुआ है, और पब्लिक की होल्डिंग भी क्वार्टर थ्री के अंदर इंक्रीज होती नजर आई थी। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें जो कि एक डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है, उससे पहले अगर आप बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग से डेली का 3,000 से 4,000 तक का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, साथ में स्टॉक से रिलेटेड अपडेट्स रेगुलर फ्री ऑफ कॉस्ट पाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जहाँ पर डेली लाइव मार्केट के अंदर मैं 1 से 2 डेमो कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आपको लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों में आसानी हो जाती है।
लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस लिमिटेड आज के दिन में 153 रुपए के आसपास जो है ट्रेड करता नजर आ रहा है। बीते 5 दिनों में इस कंपनी का शेयर प्राइस 14% तक इंक्रीज हो चुका है। एक महीने की बात करें तो 8.5% की गिरावट रही, 6 महीने में 12.5%। बीते 5 साल जो कि इस कंपनी के लिए मैक्सिमम रिटर्न्स हैं उसमें इस कंपनी ने 42% रिटर्न्स बनाकर दिए। ये कंपनी बेसिकली ड्रोन सेक्टर में काम करती नजर आ रही है और ड्रोन सेक्टर की जिस तरीके की डिमांड आने वाले समय में बढ़ेगी, क्योंकि स्टॉक जो है ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट लेवल पे इस टाइम ट्रेड करता नजर आ रहा है। इस कंपनी के रिगार्डिंग काफी पॉजिटिव अपडेट है। ड्रोन स्टॉक जंप्स 4.3% आफ्टर इट रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम यूके बेस्ड कंपनी। कंपनी को यूके बेस्ड कंपनी से एक बड़ा ऑर्डर मिला है और जिसकी वजह से स्टॉक में तेजी उम्मीद की जा रही है। अपडेट की चलिए बात करें तो कंपनी इन एन एक्सचेंज फिलिंग द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन हैज सिक्योर्ड अ सब्सटेंशियल वर्क ऑर्डर वर्थ ऑफ 4.67 करोड़ फ्रॉम आईरेड लिमिटेड इन द यूनाइटेड किंगडम फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ ड्रोन एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम डाटा। रिसेंटली इन फरवरी 2024 द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन लिमिटेड साइन MOU विद द विमान एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड प्रोमिनेंट ऑयल मार्केटिंग कंपनी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी इन ड्रोन्स एंड ड्रोन रिलेटेड ट्रेनिंग एंड सर्विसेज। और ऐसे में 4.67 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर आप कह सकते हैं यूके बेस्ड कंपनी से मिला है, जिसकी वजह से स्टॉक में शॉर्ट टर्म में हमें 15-20% अपसाइड तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो हमारे लिस्ट में आता है मरीन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। आज के दिन में 4.99% की तेजी के साथ स्टॉक 100.90 रुपए के आसपास बंद हुआ है। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 96.10 रुपए के आसपास थी। बीते 5 दिनों में 12% से ऊपर की तेजी स्टॉक में रह चुकी है और एक महीना थोड़ा सा नेगेटिव स्टॉक के लिए बीता है। 6 महीने के रिटर्न्स देखें तो काफ़ी इंप्रेसिव नंबर, 70% के रिटर्न्स बीते 6 महीने में मरीन इलेक्ट्रिकल्स बनाकर दे चुका है। एक साल की बात करें तो 175%, 5 साल में 150 और मैक्सिमम रिटर्न्स भी देखें तो 150 के आसपास है। स्टॉक ने जो है इस रेंज को अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक रीटेस्ट किया है और यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक में हमें 150 तक के लेवल्स दिखा सकता है। अपडेट की बात करें ये कंपनी जो है डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है और कंपनी को क्यूमिंस इंडिया की तरफ से 14.33 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसकी वजह से स्टॉक में आज के दिन में तेजी देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में काम करती नजर आ रही है। मरीन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हैज रिसीव्ड अ वर्क ऑर्डर वर्थ रुपीज 14.33 करोड़ फ्रॉम द क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड फॉर द सप्लाई ऑफ सैंडविच बस डक्ट। इट इज डिजाइंड टू ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी इन द पावर डिस्ट्रीब्यूशन विद डिफरेंट प्लग इन एंड टैप ऑफ बॉक्स ऑप्शंस। इट इज यूज्ड पावर प्लांट्स एंड बिग स्विचिंग स्टेशन एप्लीकेशन एंड मैनी मोर। ऐसे में मरीन इलेक्ट्रिकल्स के अंदर 150 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा ऑर्डर जो है क्यूमिंस इंडिया की तरफ से इस कंपनी को मिल चुका है। मार्केट कैप की बात करें तो 1337 करोड़ के आसपास का इस कंपनी का मार्केट कैप है। RSI भी अंडर वैल्यूड कंडीशन में नहीं है और ना ही ओवरबोट कंडीशन में है 55.4 के, और 52 वीक हाई 18% की करेक्शन में है अभी। और यहाँ पे अंडर वैल्यूड स्टॉक था क्योंकि 50 डेज मूविंग एवरेज के बिलो स्टॉक निकल गया था और वहाँ से रिकवरी जो है खरीदारी करने का एक अच्छा ऑप्शन स्टॉक के अंदर क्रिएट कर देती है। क्वार्टरली नंबर्स देखें, दिसंबर क्वार्टर में 9.48 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने इंप्रूव किया था, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे की जगह अगर ईयरली बेसिस की बात करें तो डिक्लाइन हुआ था। रिजर्व है 170 करोड़ के आसपास के, कर्जा मात्र 60 करोड़ के आसपास का कंपनी के ऊपर। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर्स की होल्डिंग है 71% और पब्लिक की होल्डिंग 28.83% के आसपास मरीन इलेक्ट्रिकल्स इंडिया के अंदर देखने को मिल रही है। तो स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 100 से लेके हमें 140-150 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 14.37 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर तो बड़ी कंपनी से इस कंपनी को मिल चुका है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।